तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आपको नंबर्स की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई, न्यू ईयर का हमारा कुछ ज़्यादा ऐसा सीन नहीं है, बस ऐसा है कि ओमकारेश्वर के लिए निकल रहे हैं अभी हमें भौर गुआ पे, मतलब खंडवा नागे पे हूँ अभी मैं। इंदौर से निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए 50-60 लोग। अदर मुझे अभी भौर गुआ छोड़ने जा रहा है और चलते हैं पहले भौर गुआ पे, वहीं पर मिलकर अपन बात करते हैं। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो। सो गाइस, फाइनली वी आर रीच्ड एट ओमकारेश्वर। वो काफी बढ़िया, मतलब जैसे ही ओमकारेश्वर में एंटर हुए, जैसे धार्मिक जगह पर जाते हैं तो बहुत अलग ही वाइब्स आती है। और अभी हम आए हैं यहाँ पे नहाने के लिए, मतलब जो गंगा जी पीछे ब्रिज वगैरह दिख रहा होगा, काफी प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के सीन्स वगैरह जो भी दिख रहा है, वो काफी बढ़िया व्यू आ रहा है। लगभग हम यहाँ पे 60-70 लोग आए हुए हैं। वो देखिए, उधर सब अभी नहा रहे वगैरह जो भी, और बोटिंग वगैरह भी जो भी करेंगे तो सारी चीजें आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो पहले तो नहा लेते हैं हम। क्यों भाई, नहाए क्या करें अभी? भाई नहाना तो पड़ेगा भाई, आए तो यहाँ पे नहाना तो कंपलसरी है, यहाँ आए हो तो नहाना जरूरी है। तो पहले तो नहाते हैं। साथ वाले और सब किधर है? उनको भी बोल दो नहा लेते हैं अपन फटाके, और फिर बोटिंग वगैरह देखते हैं जो भी होगा, बोटिंग वगैरह जितना, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम है, 60-70 लोग हैं तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर जल्दी जल्दी में हुआ तो बाकी फिर नहा कर चलते अपन मंदिर में, और अंदर शूट का जैसा भी रहेगा मैं शूट करता हूँ, बता रहा हूँ। वोटिंग के लिए और भैया लेकर चल रहे हैं हमको 5 लोकेशन कवर। तो अभी हम यहाँ की 5 लोकेशन कवर कर रहे हैं, क्योंकि तो अभी आपको पीछे ब्रिज दिख रहा होगा, ब्रिज उधर दूसरे साइड मंदिर है और एक डैम है, इधर चलते हैं और इधर आगे भी कुछ काम चल रहा है, वहाँ भी रख लेंगे। फिर तो भैया ने 50 रुपये का चार्ज है। यहाँ से इतना तगड़ा व्यू आ रहा है ना ऊपर ब्रिज का, ओंकारेश्वर का, मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना तगड़ा। आप तो खुद देखो और मुझे कमेंट में बताना व्यू कैसा लग रहा है। भाई साहब, इतनी तगड़ी वाइब्स आ रही है, कैंप और ये दोनों व्यू देखकर बताओ। सबसे पहले मुझे कमेंट करो। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। तो अभी नहा धो के वोटिंग वोटिंग करके सारी जगह से आकर ओमकारेश्वर जी के मंदिर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर के सामने ही खड़े हैं। क्या हो गया? जूते वगैरह सब उतार कर आओ यहीं पर, और ऊपर उतर आएंगे। नहीं नहीं, बस भाई भाई अभी लगवा लेंगे। नए साल पे काफी ज्यादा अभी हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन करके आ चुके थे, काफी बढ़िया लगा, मतलब दर्शन करके टाइम, हाँ खैर ये कह सकते हैं काफी भीड़ थी, तो 2.5-3 घंटे में दर्शन हुए। तो बाकी हमारा तो यही था भाई, दर्शन करने आए वो फिर 3 घंटे में हो चाहे 4 घंटे में हो, लेकिन काफी सुकून से दर्शन हुए। और एक बात और, अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर, मतलब ममलेश्वर जी के दर्शन करने। ओमकारेश्वर की आपकी यात्रा अधूरी अगर आप ममलेश्वर जी के दर्शन नहीं करते, मतलब काफी लोग आते हैं तो वो ओमकारेश्वर का दर्शन कर जाते हैं। ममलेश्वर का मंदिर जस्ट ये ब्रिज के यहाँ पे ये है मंदिर, तो काफी लोग नहीं करके जाते, तो मैं यही कहूँगा उनसे
कि आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा अधूरी अगर ममलेश्वर की वो दर्शन नहीं करते, तो अभी अपन चलते हैं ममलेश्वर जी के यहाँ पे, वहाँ के दर्शन करते हैं। तो ममलेश्वर जी में तो काफ़ी बढ़िया तरीके से दर्शन हुए, मतलब यहाँ पे तो जैसे वहाँ तो बहुत टाइम लग गया था हमको, 2.5 घंटे के लगभग, में यहाँ तो गए और 15 मिनट के अंदर में हमारे दर्शन हो गए। मैंने जैसा आपको बोला था कि काफ़ी लोग यहाँ दर्शन करने नहीं आते, भूल जाते या किसी को पता ही नहीं होता, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ममलेश्वर जी पर भी आकर दर्शन करें, क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो अधूरी अगर ममलेश्वर जी के आप दर्शन नहीं करते। बाकी काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी हमारा यहाँ से सीन ये कि जैसा मैंने आपको बताया था कोचिंग ट्रिप पर आए हैं, तो जो हमारे ऑनर हैं मतलब जो डायरेक्टर सर हैं उनका यहीं पे आसपास में फार्म हाउस है, तो वहीं फार्म हाउस पे जाएंगे अभी, वहाँ पे खाना वगैरह कुछ है, तो हो सका तो मैं उसके शॉर्ट्स भी इसके बाद डाल दूँगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, जब तक लिए बाय बाय। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।